नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और स्वागत करता हूं आपका सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि बात करेंगे पशु प्रीचर के बारे में। पशु प्रीचर एग्जाम आप सभी को पता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 3 दिन चलेगा ये एग्जाम। और बहुत से जो स्टूडेंट है उन सभी के मन में है, बड़े कमेंट आ रहे थे इस विषय में कि सर बताओ पशु प्रीचर क्या होता है, हम एग्जाम देने जाएं या ना जाएं, क्योंकि मैं तो आरएएस की तैयारी कर रहा था और मैंने पशु परीक्षर का फॉर्म भर दिया, मैं तो सर टीचर की तैयारी कर रहा था मैंने पशु परीक्षर का फॉर्म भर दिया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, सर बताओ पशु परीक्षर का काम क्या होता है, पशु परीक्षर की सैलरी कितनी मिलेगी, ड्यूटी का टाइम क्या है, क्या हम पशु परीक्षर लगने के बाद दूसरी जॉब की तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पशु परीक्षर में प्रमोशन होता है या नहीं होता, क्या अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह पशु परीक्षर में भी लाभ जो योजनाओं के मिलते हैं या नहीं मिलते, तमाम तरह के पशु परीक्षर को लेकर जो स्टूडेंट है उनके मन में प्रश्न है। तो मैं इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर, बिल्कुल सही सटीक जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता हूँ। बात करते हैं पशु परीक्षर के बारे में। पशु परीक्षर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो पशु परीक्षर होता है, पशु परीक्षर एक फोर्थ ग्रेड जॉब है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं जो, फोर्थ ग्रेड जॉब है पशु परीक्षर, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय होता है पशु परीक्षर। पशु परीक्षर एक असिस्टेंट होता है जो आपके हॉस्पिटल में, जो आपका पशु चिकित्सालय होता है, एनिमल हॉस्पिटल होता है, वहां पे जो प्रभारी होता है मतलब डॉक्टर होता है जो डॉक्टर, उसके बाद LSA होता है, पशुधन सहायक होता है, पशुधन सहायक के बाद उसका जो असिस्टेंट होता है, पशुधन सहायक का असिस्टेंट, वो होता है पशु परीचर। वो क्या होता है, पशु परीचर। अब सर पशु परीचर मैंने बताया आपको क्या है, फोर्थ ग्रेड जॉब है, क्या काम करने होते हैं इनको, आपके मन में ये प्रश्न होगा। ये तो अब पता लग गया कि पशु परीचर क्या होता है, एक असिस्टेंट होता है और फोर्थ ग्रेड जॉब है एक, और जो आपका LSC होता है हॉस्पिटल के अंदर उसका सहायक होता है पशु परीचर। अब पशु परीचर को काम क्या होता है, क्या काम करना होता है, देखो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बिल्कुल लास्ट का, बिल्कुल अंतिम कर्मचारी है ये एनिमल हॉस्पिटल का, तो उसको तमाम वो काम करने होते हैं जो आपको LSA कहेगा, जो आपको हॉस्पिटल का प्रभारी कहेगा, हॉस्पिटल के प्रभारी के निर्देशन में आपको वहां काम करना होता है, आपको सफाई भी करनी पड़ सकती है वहां पे हॉस्पिटल की, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के तमाम कार्य आपको वहां करने पड़ेंगे, फाइलों को इधर उधर लेके जाना है, फाइलों को व्यवस्थित करना है, रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना है, और जब वहां पे पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, पशुपालक हॉस्पिटल में आता है तो कई पशु अनियंत्रित होते हैं, आप सभी को पता है भैंस टांग मारती है, गाय टांग मारती है, तमाम तरह के पशु क्या होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, तो उन पशुओं को नियंत्रित करना। अभी एक कमेंट था कि सर क्या गोबर उठाना पड़ेगा क्या पशु परीचर को, बिल्कुल वहां पे आपको साफ सफाई का कार्य भी करना पड़ेगा। सर भैंस की पूंछ पकड़नी पड़ेगी क्या, अब बताओ ऐसे ऐसे कमेंट, तो भैया पकड़नी पड़ सकती है, पशु परीचर को वहां पर पशुओं को नियंत्रित करने के तमाम कार्य करने पड़ेंगे। पशु परीचर एक फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय है, वहां पे आपको सफाई भी करनी पड़ेगी और आपको जो वहां का प्रभारी है हॉस्पिटल का, एनिमल हॉस्पिटल का प्रभारी या LSA, वो जो भी आपको कार्य आवंटित करेगा वो तमाम कार्य आपको करने पड़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा पशु परीचर के क्या काम है। अब पशु परीचर की सैलरी क्या है, सैलरी को एक बार होल्ड रखते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं पशु परीचर की ड्यूटी समय क्या है। देखो पशु परीचर जो है एनिमल हॉस्पिटल में काम करता है, एनिमल हॉस्पिटल या कोई भी अन्य हॉस्पिटल होता है वो सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन खुलते हैं, चाहे छुट्टी हो, कोई राज्य की छुट्टी हो, जैसे अभी दीपावली, अभी हाल ही में, अभी कल परसों दीपावली थी, तो दीपावली के दिन भी एनिमल हॉस्पिटल या सभी हॉस्पिटल खुले थे, लेकिन उसका एक समय होता है, अवकाश के दिनों में थोड़े कम समय के लिए खुलते हैं, और जो बिल्कुल रेगुलर डेज होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा समय होता है। जैसे अभी जो हॉस्पिटल का समय चल रहा है, एनिमल हॉस्पिटल का जो समय चल रहा है, वो सुबह 9 से लेकर 2 बजे का चल रहा है, और जो गर्मी और सर्दी को देखते हुए समय क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है।
तो अब ड्यूटी समय की बात जब आप पूछ रहे हो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एनिमल हॉस्पिटल सप्ताह के सातों दिन खुलते हैं, साथ में ड्यूटी समय मैंने बता दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक बात ये है कि ये एक इमरजेंसी सेवा है हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो आपका जो अपने मानवों का हॉस्पिटल है, जो आपका जनरल हॉस्पिटल है, और जो पशुओं का हॉस्पिटल है, कोई सा हॉस्पिटल हो, वो एक इमरजेंसी सेवा के अंदर आता है। और इमरजेंसी सेवा के अंदर आपको कभी भी ऑन कॉल बुलाया जा सकता है, तो इस कारण ये एक इमरजेंसी सेवा है। ड्यूटी समय कोई भी निर्धारित नहीं है, वैसे निर्धारित है, लेकिन ऑन कॉल आपको इमरजेंसी होने पर कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ये तो हुआ आपका ड्यूटी समय, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसमें प्रमोशन होता है क्या? अभी तक प्रमोशन के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अभी कुछ सेवा नियमों में संशोधन किया गया है और पशु परिचर से LS से प्रमोशन करने की, LSA मतलब पशुधन सहायक, पशुधन सहायक की पोस्ट पर जो प्रमोशन करने का प्लान है। लेकिन इसके बारे में अभी तक बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सभी पशु परिचर जो लगेंगे सभी का प्रमोशन हो जाएगा, कुछ परसेंटेज होगा, जब आप ज्वाइन करोगे आपको सब बातों का पता लग जाएगा। तो पशु परिचर का प्रमोशन होगा LSA पोस्ट पर, यह आप क्लियर हो गया होगा। क्या अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह लाभ मिलते हैं क्या? बिल्कुल, पशु परिचर पोस्ट एक फुल्ली गवर्नमेंट पोस्ट है, बिल्कुल सरकारी पोस्ट है, इसमें तमाम सरकारी कर्मचारियों की तरह सभी लाभ मिलते हैं। पशु परिचर कोई प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट नहीं है, सभी पशु परिचर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनको वो तमाम लाभ मिलते हैं, जैसे RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो योजना है वो उसका लाभ मिलेगा, पेंशन का लाभ मिलेगा, अगर OPS चल रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम जो भी होगी उसका आपको लाभ मिलेगा। तो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह तमाम लाभ इसके अंदर मिलते हैं। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर आपकी कि सैलरी कितनी होती है, पशु परिचर की सैलरी कितनी होती है। तो मैं तमाम जानकारी आपको देता हूं सैलरी के बारे में, एक बार मैं इसको मिटा दूं। लाभ के बारे में आपको पता लग गया, पोस्ट के बारे में पता लग गया कि आपको क्या काम करना पड़ सकता है, जॉब प्रोफाइल पता लग गई क्योंकि ये फोर्थ ग्रेड एक जॉब है। अब इसके अंदर वेतन कितना मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो वेतन के अंदर मैं आपको बता दूं, 2 साल आप ज्वाइनिंग करने के बाद प्रोबेशन में रहोगे और प्रोबेशन के अंदर जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा आपको 12,400 रुपए मासिक, 12,400 रुपए प्रति मंथ, ये तो मिलेगा आपको 2 साल तक प्रोबेशन में, ठीक है, 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड जो होता है आपका, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मिलेगा 12,400 रुपए। अब सर प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद आपकी जो बेसिक पे है इस पोस्ट के लिए, जो बेसिक पे है, क्योंकि ये L1 पोस्ट है, फोर्थ ग्रेड पोस्ट है, L1 कैटेगरी की पोस्ट है, साथ में वेतन आयोग के अंदर 1700 इसका ग्रेड पे है, 1700 GP है इसका ग्रेड पे, और इसके अंदर जो बेसिक पे है आपकी, बेसिक पे वो है 17,700, ये होगी बेसिक पे। अब इस पे मिलेगा आपको DA, अब जो राजस्थान में DA चल रहा है वो चल रहा है 53%, आज जब अपने वीडियो बना रहे हैं DA चेंज होता रहता है, हर बार साल में 2 बार होता है, जुलाई के अंदर और जनवरी के अंदर, अभी जो DA चल रहा है वो 53% DA चल रहा है, 17,700 का आप 53% निकाल लीजिए, 9,381 रुपए DA मिलेगा आपको, प्लस आपको HRA मिलेगा। अभी जो सबसे लोएस्ट HRA है, HRA होता है सिटी वाइज चेंज होता रहता है, जो बड़ी सिटीज है उसमें HRA 20% भी है, उससे बड़ी सिटीज है उनमें 30% भी है, और सबसे कम HRA है जो लास्ट वो है 10% गांवों के अंदर मान लीजिए, तो HRA आपको मिलेगा बेसिक का होता है 10%, तो यहाँ 1770 रुपये हो गया आपका HRA। इन सभी को मिला के जो आपको टोटल वेतन मिलेगा वो तकरीबन 28,000 के आसपास मिलेगा, इन सभी को जोड़ लीजिए तो आपका वेतन हो गया 28,851, ये आपका हो गया टोटल वेतन। अब इसमें से कुछ कटौती भी होगी, जैसे आपकी RGHS की कटौती, ठीक है, RGHS की कटौती, तो ये आपके 400 रुपए इसमें RGHS के कटेंगे, साथ में जो आपको पेंशन मिलेगी, जो पेंशन मिलेगी मतलब GPF या SI का पैसा कटेगा या CPF कटेगा, वो आपका बेसिक प्लस DA का 10% कटेगा, तो तकरीबन आप कटौती मान के चलो आपकी 2700 रुपए के आसपास वो आपकी GPF या CPF की कटौती होगी। और जो इन हैंड आपको टोटल सैलरी मिलेगी
जो इन हैंड आपको टोटल सैलरी मिलेगी ये 2700 और 400 रुपए 28,851 रुपए में से घटा दो तो तकरीबन 26,000 रुपए इन हैंड आपको मिलेंगे। ये अप्रोक्सीमेट है, मैंने आपको बताया 26,000 रुपए के आसपास आपको पशु प्रीचर के अंदर सैलरी मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको पशु प्रीचर से संबंधित तमाम जानकारी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको दी है। वेतन आपको अच्छा खासा वेतन है, 26,000 रुपए कम नहीं है, ठीक ठाक है एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, जो बिल्कुल L1 फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज के लिए 26,000 रुपए ठीक ठाक वेतन है। अगर आप परीक्षा फॉर्म आपने भरा है और अच्छी खासी आपकी तैयारी है तो एग्जाम देने जरूर जाइए, 1 से 3 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम को नहीं देना सबसे पहले आप कंपटीशन से हट गए। एग्जाम देने जरूर जाइए और सैलरी देखने के बाद एक मोटिवेट भी आता है, सैलरी देखने के बाद एक मोटिवेशन भी मिलता है कि ठीक है 26,000 रुपए मिलेंगे, ठीक ठाक गुजारा इसमें हो जाएगा। तो ये वीडियो था पशु प्रीचर को लेकर, उम्मीद करता हूं सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट करिएगा, अन्य कोई भी प्रश्न हो सरकारी भर्तियों से संबंधित तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे ला रहा हूं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।